गुड डे, रुको, कैंडीज दो। तुम उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकती। अरे बाप रे, तुम इसे किसे ले जा रहे हो? क्या हो गया? कोई एक्सीडेंट हो गया है? कितना भयानक। जल्दी करो, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। तुम इसे किसे लाए हो? हमारे पास बेड नहीं है। अरे रुको, वो मेरा भाई है। उसे क्या हुआ? क्या तबीयत बहुत खराब है? ये नहीं हो सकता, मेरा बेचारा भाई। अरे बाप रे, ओह, मैंने तो वास्तव में अपनी जान ही ले ली थी। हाय नैन्सी, एक शरारत है, मैं जिंदा हूँ। हम तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज लाए हैं, क्या तुम खुश हो? मेरे छोटी बहन, देखो यहाँ तुम्हारे लिए मैंने बहुत चीज लेकर आया है। वाह, ओ भाई, इतनी सारी कैंडीज लाने के लिए धन्यवाद। यह हम सबके लिए काफी है, बल्कि पूरे अस्पताल के लिए काफी है। दुनिया का सबसे अच्छा भाई। क्या शानदार दिन है। रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? कैंडी। चलो इसे यहाँ दे दो। क्या तुमने यह देखा नहीं? यहाँ इसे ले जाने की अनुमति नहीं है। ओ नहीं, उसने उसकी फेवरेट कैंडी ले ली और वो मेरे चिप्स को ले लेगी। लेकिन नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। कोई भी चिप्स के साथ टेड को जाने नहीं देगा, लेकिन वे अपनी जेब में चिप्स के साथ एक मेल नर्स को नहीं रोकेंगे। ये ड्रेस मुझे बहुत सूट कर रहा है। सुंदर लड़की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? हम लोग साथ ही में पढ़ाई किए थे। अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूँगा, तुम आराम करो। और अब यहाँ एक नया पेशेंट है। रुको, क्या तुम्हें ये साइन दिखाई नहीं दे रहा है? कैंडी नहीं ले जा सकते, इसे वापस दे दो या घर जाओ। अच्छा है, सही फैसला, कितना अच्छा। मेरे पास अब कैंडीज का एक पूरा डब्बा है। मैं इसे अपनी बहन के पास ले जाऊंगा जब कोई नहीं देखेगा। अरे बहन, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ, यह कैंडी का एक पूरा डब्बा है। लोगी, मैंने इसे रजिस्ट्रेशन डेस्क से उठाया है। ये तुम्हारा फेवरेट चिप्स है, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे मेरे कलीग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खोज लूंगी, मैं तुमसे सभी कैंडी को निकाल लूंगी, बदमाश। ओ नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? लड़की प्लीज इस बॉक्स को पकड़ो, खाना नहीं केवल पकड़ कर रखना। मेरा सिर कितना दर्द हो रहा है। रुको, कैंडीज यहाँ दो, जल्दी से। ओह, क्या तुम धीरे से नहीं कर सकती थी? क्या तुम देख नहीं रही हो मेरा सर दर्द कर रहा है? चले जाओ। नमस्ते, मैं डॉक्टर टेड हूँ। मैं चुपचाप अपने रूम में जा रहा हूँ। यह क्या है? क्या आपके पास सिर दर्द के लिए कुछ है? मुझे सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है। कम से कम कुछ तो होगा, मैं घर पर अपनी फर्स्ट एड किट भूल गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने डॉक्टर के ब्रीफकेस से कुछ खोद कर देता हूँ। ये टेबलेट ले लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। पर यह तो बहुत स्वादिष्ट है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? ये मीठे हैं। अच्छा, ये स्किटल्स है। और आपके पास क्या है? ओ यहाँ तो पूरा सेट है। ओ नहीं, चलो भागो, कैंडी नहीं भूलना, अब भागो। और क्या आप कल्पना कर सकते कि मुझे कैंडी देगा, टैबलेट नहीं? क्या तुम ठीक हो? साइन को नहीं देख रहे हो? कैंडीज नहीं ले जा सकते, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ये मैं ले रही हूँ, अब तुम जाओ। क्या मैं पहले जा सकता हूँ? ओ धन्यवाद, मैं यहाँ नहीं हूँ। ओ, उसने देख लिया। हाँ हाँ, हेलो, अब मैं जा रहा हूँ, कोई कैंडीज नहीं है। यह क्या है? कीटल्स? रुको, व्हीलचेयर के आदमी, क्या तुम कैंडी से बने हो? और तुम में एक छेद है, तुम्हारे पीछे कैंडीज क्यों गिर रहा था? ओ, कैंडीज छुपा के ले जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब यह बिना चिप्स के अंदर जाओ। ओ हेलो डार्लिंग, सभी को डिस्चार्ज दे दिया, बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइक पर सावधान रहेंगे, आखिर ये खिलौने नहीं है। ओ क्या तुम जिंदा हो? और तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो रही है। चलो वार्ड में वापस जाओ और डॉक्टर को साइकिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना, बेचारी। अरे क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आप ठीक हो? नमस्ते सुंदर लड़की। ओह यह क्या? अरे यह गुलाब, क्या ये मेरे लिए है? कितना प्यारा। और तुम क्या भूल गए हो? एक मिनट रुको, जाओ मत, तुम बहुत अच्छे हो। अरे अरे लड़कियों, मैं अपनी पत्नी चुनने आया हूँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ओ हेलो, यह मैं हूँ टेड, तुम्हारा भाई। तुम्हें मेरा ड्रेस कैसा लगा? क्या यह अमीर सुल्तान की तरह दिख रहा है? बस मेरे पास बहुत पैसा है। यह देखो, ये तुम्हारे लिए कैंडीज है, ये तुम्हारे लिए है। क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? धन्यवाद, ये बहुत स्वादिष्ट है। रुक
जाओ। कैंडीज लेकर अंदर नहीं जा सकते? हाँ हाँ, हर किसी के पास यहाँ कुछ दर्द होता है, इसलिए कैंडीज देने की जरूरत है। मुझे क्या देना चाहिए? कैंडीज? कितना भयानक। मैंने अभी अभी स्किटल्स का नया पैकेट खोला है। कुछ सोचना होगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं स्किटल्स को छुपाने जा रहा हूँ ताकि यह नर्स नोटिस ना करे। यह बहुत आसान है, मुझे बस प्रिंगल्स का एक खाली पैकेट चाहिए और एक आर्टिफिशियल हैंड हम कनेक्ट करते हैं, पट्टियाँ बांधते हैं और कैंडी को अंदर डालते हैं। शानदार है ना मेरा आइडिया? चलो ये कैंडी दे दो। नहीं, चलो चलो दो। तो यंग मैन, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ लग रहा है। नैन्सी, मेरे हाथ टूट गए हैं। क्या हुआ मेरे बेचारे भाई को? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने धोखा दिया है। देखो मेरा हाथ। ये क्या? अरे रुको, ये मेरा हाथ नहीं है, मैंने यहाँ कैंडी छुपा कर रखा है। देखो, है ना मेरा आइडिया अच्छा? वाह स्किटल्स, मेरा फेवरेट, धन्यवाद भाई। हेलो दोस्तों। वाव, ये आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हाल चाल है? कितना हैंडसम है। हेलो, क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये मेरा है। वाह, अब ये आइसक्रीम मेरा है। बहुत अच्छा, दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था। ये किसने किया? तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ बस इतना ही, हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है। okay. हम क्या करेंगे? okay. ओ, मुझे पता है, चलो कार्ड उठाते हैं। ओ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं, तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। okay. अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे चाटना होगा। मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सामंथा, मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। लो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक। छी छी, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ। चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? okay. देखते हैं अंदर क्या है। ओ, लगता है ये कैक्टस है। शायद ये चॉकलेट हो, देखना होगा। नहीं, चुप गई, ये असली है। अरे कितना बुरा, मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। okay. वो ठीक है। yeah! ये बहुत अच्छा, मुझे ये नहीं छूना होगा, मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा। क्या हो रहा है? चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो। नहीं तुम, क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया, क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले। ओके, अच्छा आइडिया है, रॉक पेपर सीजर। हे, मैं जीत गई। तो जैक, तुम्हें पहले ये चाटना होगा। अरे यार, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है। ओ बेचारा जैक,
अरे ये बस मजाक था, देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम, चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है, वैसे मैं रिस्क भी उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से, हाँ सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ खा कर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों, क्या हो रहा है? सब एम्बर ने किया है। यह कैसी बदबू है? लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है, पता लगाना होगा अंदर क्या है। ओके। इसी बात का डर था, यह मछली है। छी, कितना बुरा। उफ, बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। उफ, मुझे ये चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ? घर छोड़ो। तो फिर मुझे यह खाना होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ तुम्हें करना ही होगा, पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे, मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी, कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की? मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया? मैं तैयार नहीं थी, मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ, कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह, चोट लग गई या क्या किया? चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह कितना बड़ा केक, मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक जाओ, पहले कार्ड लेने होंगे। और यह तैयार है, ये लो। वाह मैं चाट सकता हूँ, ये मैं खाऊंगी। उफ, मुझे कुछ नहीं मिला, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी केक खा कर रहूंगी। ओ, कितना स्वादिष्ट है, मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, ये तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं ये हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो, केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक अब तुम्हारा हो गया। What? तुम क्या कर रही हो? ओ, मेरे नाक पर केक है, बहुत अच्छा। तुम सही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? Please. मैं कैसे दूं, यह केक मेरा है। अच्छा ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? अब तुम यह लो। अरे मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओ, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे ये खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है, इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूँ, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना। उफ, कितना
बड़ा गंदा। मेरी पिन वापस दो। जैक, अब तुम चलो। ओके। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये बहुत खराब है। मैं खाना ही होगा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो, मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ, कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं, फिर से वो बदबू। मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह, हब्बा बब्बा। हाँ, और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है? What? Oh, no! मैं नहीं खा पाऊंगा। Okay. और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी। बहुत बढ़िया। चाटना, पर गम को तो चबाया जाता है। okay. यह लो, पकड़ो, तुम पहले चलो। हाँ, क्यों नहीं। आशा है ये स्वादिष्ट होगा। वाह, बिंगो। पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों, अगर इसे पूरा खोला जा सकता है यह जरूर और अच्छा होगा। तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया। बस बहुत हुआ, यह मुझे दे दो। उफ, अब ये कितना गंदा हो गया है। मुझे तो स्वादिष्ट लगा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। बहुत ही खराब है। अरे, पर मैं इसके साथ क्या करूंगा? चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए, फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए, देखो। ओके। तारा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज। मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से। ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों ना करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं एक गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनू। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा। सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है।
मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया, मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सूशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले और हमें सोय सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो, ठीक है यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया, मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना, ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। ताड़ाम, देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे दांत में खुजली हो रही है। अच्छी, ओह तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है, तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, यह अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं,
मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवर कुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। ओके। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है, आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैपचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वाद इस चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार, बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी। ओके। और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ, और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।